नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य, इस नाम से आज हर कोई परिचित है, क्योंकि आंखों की रोशनी के बगैर दिन रात प्रभु राम के दर्शन करने वाले एकमात्र ऐसे जगत गुरु हैं जिनके मार्गदर्शन में आज देखिए जन जन की चेतना अध्यात्म की रोशनी से जुड़ रही है। ज्ञान तप के बलबूते स्वामी राम भद्राचार्य ने 80 से ज्यादा ग्रंथों की रचना की, 22 भाषाओं में लोगों से संवाद भी कर सकते हैं। बतौर कथावाचक अध्यात्म के पथ पर जन जन के बीच धर्म ग्रंथों के ज्ञान का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। और जो बात इन्हें दूसरे संतों से बिल्कुल अलग बनाती है वो ये कि इनकी अंतर्दृष्टि की देव वाणी। जी हाँ, देश के प्रधान सेवक को लेकर इन्होंने अब तक जितनी भी भविष्यवाणी की, जो कुछ भी कहा, वो सत्यता की कसौटी पर खरा उतरा है। पीएम मोदी के 3 बार प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी करने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वामी राम भद्राचार्य ही हैं। जी हाँ, अब जो कि देखिए देश की सत्ता पर पीएम मोदी पुनः काबिज हो गए हैं, तो ऐसे में आने वाला समय अपने कितने रंग दिखाएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब किन को पीएम मोदी बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं होंगे, इसका संकेत देते हुए अब की बार जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने क्या कुछ कहने की कोशिश की है, ये जानने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। मोदी के 3 बार पीएम बनने की भविष्यवाणी, मोदी 3.0 का आने वाला कल, अब की बार किन को सिखाया जाएगा सबक, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 2014, 2019, 2024 राष्ट्रपति भवन से देश के प्रधान सेवक ने जब जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की, अतिथियों के बीच बैठे जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने अपने परम मित्र नरेंद्र दामोदर दास मोदी को मन ही मन सदैव जीत का आशीर्वाद दिया। 9 जून के दिन भी यही तस्वीर देखने को मिली। शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने इस बात की भविष्यवाणी डंके की चोट पर करते हुए ये कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार मजबूती के साथ 5 साल चलेगी, 10 सांसद भाजपा में और आ चुके हैं और जल्द ही भाजपा अपने बलबूते पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेगी। इसी कड़ी में जगतगुरु ने इस बात का भी संकेत दिया कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेना राम विरोधी, धर्म विरोधी और राष्ट्र विरोधियों के मुंह पर एक तमाचा है। जगतगुरु की इन्हीं बातों के अब कई मायने निकाले जा रहे, खासकर राजनीतिक पंडितों की माने तो पीएम मोदी अपने 3रे कार्यकाल में देश विरोधी और धर्म विरोधी ताकतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए दिखेंगे। यानी कि देखिए, राष्ट्र विरोधी और धर्म विरोधी जुबानों को खामोश भी किया जा सकता है। अब तक देखिए हमने हिंदुत्व को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एग्रेसिव पॉलिटिक्स देखी है, लेकिन अब पीएम मोदी भी इसी डगर पर चलते हुए दिख सकते हैं। पीएम मोदी का दोबारा प्रधानमंत्री बनना अगर धर्म विरोधियों के मुंह पर झन्नाटेदार तमाचा है, तो जगतगुरु की यही झन्नाटेदार भविष्यवाणी विधर्मियों के लिए काल के समान है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर।